नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपके सामने है जो जीके क्यूज ऑन 7 अक्टूबर 2020 इन हिंदी का डेली करंट प्रश्न लेकर के गाइज हाजिर हूँ। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न देखिए गाइज, इस वर्ष क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से वैज्ञानिकों हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हुआटान और चार्ल्स एमराइस को देने की घोषणा की गई है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा नोबेल पुरस्कार। इस वर्ष चिकित्सा क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए संयुक्त रूप से वैज्ञानिकों हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हुआटान और चार्ल्स एमराइस को देने की घोषणा की गई है। गाइज ये पुरस्कार है जो 10 दिसंबर को डायनामाइट की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाएगा। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर सेकंड देखिए गाइज, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो गाइज स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में जो गुजरात है जो पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है गाइज उत्तर प्रदेश। सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत के लिए 3 मिशन शुरू किए थे, जबकि जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए तमिलनाडु के तिरुनवेली को पहला पुरस्कार है जो मिला है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य और सेकंड स्थान पर आया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 देखिए गाइज, अक्टूबर को दिनेश कुमार खारा किस बैंक के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे। तो गाइज 7 अक्टूबर को दिनेश कुमार खारा SBI बैंक के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे, जबकि HDFC बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति भी होगी, जिसके लिए RBI ने शशिधर जगदीशन के नाम पर मंजूरी दी है। अक्टूबर में सरकार विभिन्न सार्वजनिक बैंकों में खाली पड़े कार्यकारी निदेशकों के 13 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी जा चुकी है, अभी बैंकों का अलॉटमेंट बाकी है। तो गाइस इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, SBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 देखिए गाइज, भारत के सबसे बड़े पोर्ट डेवलपर कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को किसने 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो गाइज इसमें हमारा ऑप्शन राइट है सी, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े पोर्ट डेवलपर कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस डील से अडानी के पास इस पोर्ट कंपनी लिमिटेड की 75% हिस्सेदारी होगी। KPCL एक मल्टी कार्गो फैसिलिटी पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्से में है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 देखिए गाइज, भारत की किस सेना ने गलवान घाटी में 15 जून को शहीद हुए अपने 20 कर्मियों के सम्मान में एक स्मारक बनाया है। तो गाइज 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में हुए शहीद अपने 20 कर्मियों के सम्मान में भारतीय थल सेना पूर्वी लद्दाख के पोस्ट नंबर 120 में एक स्मारक बनाएगा, जिस पर सभी जवानों के नाम लिखे गए हैं। शहीद हुए सैन्य कर्मियों में कर्नल बी संतोष बाबू भी शामिल थे जो 16वीं बिहार रेजिमेंट से थे। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय थल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 देखिए गाइज, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने करीब कितने घंटे में COVID-19 की जांच का रिजल्ट देने वाली RT-PCR किट विकसित की है। तो गाइज रिलायंस लाइफ साइंसेज ने करीब 2 घंटे में COVID-19 की जांच का रिजल्ट देने वाली RT-PCR किट है जो विकसित की है। वैज्ञानिकों ने भारत में कोरोना वायरस से 100 से अधिक जीनोम अनुक्रम का विश्लेषण करने के बाद ये RT-PCR किट तैयार की है। रिलायंस के वैज्ञानिकों ने इसे आर ग्रीन किट नाम दिया है। इस किट को प्रदर्शन के लिए ICMR
से मानवता मिल गई है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 देखिए गाइज, इसरो ने अपने किस मिशन को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES की भागीदारी के साथ वर्ष 2025 में शुरू करने की तैयारी की है। तो गाइज इसरो ने अपने शुक्र मिशन को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द स्पेस सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज की भागीदारी के साथ वर्ष 2025 में शुरू करने की तैयारी की है। CNES ने कहा है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में फ्रांस इसरो के एक मिशन में भाग ले रहा है जो कि शुक्र के लिए वर्ष 2025 में लॉन्च होने वाला है। तो गाइस इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 देखिए गाइज, निम्न में से किस राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अवंत कुमार सुरेंद्र राव दवे का हाल ही में निधन हो गया है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अवंत कुमार सुरेंद्र राव दवे का हाल ही में निधन हो गया है। दिसंबर 1957 में जन्मे, उन्होंने 1984 में वकील के रूप में अपना पैसा शुरू किया था। वे वर्ष 2004 में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो गाइस इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 देखिए गाइज, श्री पीयूष गोयल ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो गाइज रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नौगढ़ के समीप लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म होने और इस क्षेत्र से उनके जीवन घटनाओं से जुड़े होने के कारण जन आकांक्षाओं को देखते हुए नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रखा गया है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नौगढ़ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 देखिए गाइज, इनमें से किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वाटसन और फॉफ डुप्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है। तो गाइज आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर शेन वाटसन और फॉफ डुप्लेसी ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 151 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मुरली विजय और माइक हंसी के 159 रन की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये पार्टनरशिप चौथी हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है। तो गाइस इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज शेन वाटसन और फॉफ डुप्लेसी। अगर गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना जिससे कि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप रह सको मेरे से कनेक्ट। फिर मिलता हूँ लेटेस्ट प्रश्नों के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।